नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। जैसा आप तस्वीरें देखकर पहचान रहे होंगे, इनका नाम है मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर उर्फ विक्रम गुर्जर। हाल ही में कुछ दिन पहले राजस्थान के बहरोड थाना पर AK-47 से इनके साथियों ने हमला कर आरोपी पपला गुर्जर को चुड़ा कर लेकर चले गए, जो राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों के अंदर नाक में दम कर रखा है मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर ने। अभी सोशल मीडिया पर पपला गुर्जर से संबंधित बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है और खबरें भी चल रही है कि पपला गुर्जर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया है। आपको बता दें कि पपला गुर्जर के सभी साथी थे 5, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और वे रिमांड पर भी चल रहे। वहीं राजस्थान और हरियाणा राज्यों की पुलिस ने पपला गुर्जर पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। हर जगह पर पपला गुर्जर की तलाश हो रही है, लेकिन पपला गुर्जर का अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथों नहीं लगा है। वहीं कुछ दिन पहले पपला गुर्जर की लोकेशन दिल्ली नोएडा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई गई थी, लेकिन पुलिस ने दबिश दी तो वहां पर पपला का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया और पपला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और पोस्ट वायरल हो रही है कि पपला गुर्जर ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन अभी तक ऐसी अपडेट सामने नहीं आ रही है। वहीं पपला गुर्जर ने जुर्म की दुनिया में अपने दोस्तों के जरिए कदम रखा था और पुलिस भी इनको साथ देती गई और नहीं इन्हें रोका गया। इस वजह से मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर इतने ज़्यादा फेमस हो गए हरियाणा के अंदर कि सब लोग इनसे भगवान की तरह पूछते हैं, बाकी कानून इसे को रोकते चले गए। वहीं पपला गुर्जर ने जब राजस्थान के अंदर कदम रखा तो पुलिस भी चौंकना हो गई, लेकिन पपला गुर्जर के आगे पुलिस की एक भी ना चली। वहीं उनके साथियों के द्वारा अलवर में हमला कर उन्हें छुड़ा कर लेकर चले गए।